अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम सर। बेटा, जहाँ पे हमने ये सेशन ब्रेक किया था उसी वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। और हमारे पास बेटा ये थीम है और इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा चुके हैं। ठीक है, एक दो चीज़ें जो कि हमने इसमें करनी है वो ज़रा देख लीजिए बेटा। जब ये थीम हमने इम्प्लीमेंट की है ना, ये बेसिकली ये अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल पे हमने इम्प्लीमेंट तो कर दी है, कुछ चीज़ें ना ठीक करनी अभी बाकी हैं। ठीक है, जिसमें से कि एक स्पेशली आपके जो ये लिंक की स्टेटमेंट्स हैं, जो कि सॉरी लिंक की ये जो टैग्स हैं, इनको ठीक करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि मिस्टेक कहाँ पे है। अगर मैं अपने कंटेंट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ट्रिपल डब्ल्यू रूट के फोल्डर में ना हमने जो है ना ये चीज़ें प्लेस की हुई हैं ट्रिपल डब्ल्यू रूट के फोल्डर के अंडर। ठीक है, सी एस एस इमेजेस जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा। तो आप ज़रा देखिएगा कि हमारे पास ये जो बेटा एक ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने, ये वाला जो टेक्स्ट हमने लिखा है, ये किस तरीके से जो है ना हमें हेल्प आउट कर रहा है। अब देखिएगा, ये इसका पाथ है और मैं इस पाथ को ना दोबारा लिखता हूँ। क्या ये पाथ एक्टिव है या नहीं है? ठीक है, इसको मैं दोबारा देखता हूँ। और इसको दोबारा लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये जो ऊपर पाथ लिखा है ना दोबारा लिखना पड़ेगा। सी एस एस स्लैश वेंडर्स बंडल डॉट सी एस एस। ठीक है, ये 2019 मुझे सपोर्ट कर रहा है कि भाई ये पाथ आपने ट्रिपल डब्ल्यू रूट से उठाना था। ये पाथ एग्जैक्टली वही है जो कि ऊपर लिखा हुआ था, एक्सेप्ट फॉर द वन चेंज। क्या भला? वो ये है बेटा कि ये जो हमने टिल्डा का साइन लगाया हुआ है ना, ये मिसिंग है। ठीक है, तो ये आपको इन तमाम पास के अंदर, तमाम लिंक की टैग्स के अंदर इंक्लूड करवा दें। ये सिर्फ ये जो आपके पास टिल्डा का साइन है, बेसिकली जहाँ पर भी पाथ या कोई चीज़ लोड ना हो रही होगी, तो पाथ का अगर कहीं इशू आया तो वो आपको यहाँ पे ये टिल्डा इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ये नॉर्मली लिंक के टैग्स में होता है, और ये जो और जगह पर आपके पास होगा, ये आपके पास होगा बेटा, ये एंड पर ना आपके पास स्क्रिप्ट की कुछ स्टेटमेंट थी, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही आपको यहाँ पर इन पे भी टिल्डा इंपोर्ट जो है ना इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। अभी ये तो हमने यहाँ से कर लिया कि इसका अल्टरनेट भी था कि हमें पता चल जाए कि कोई कोई फाइल लोड नहीं हुई हुई। जी बेटा, आपके पास ये जो हमने पेज ओपन किया हुआ है, यानी कि जिसको हमने चलाया है, इसको अगर आप इंस्पेक्ट करते हैं या व्यू सोर्स करते हैं, व्यू सोर्स करने आपको ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा। लेट से मैं यहाँ पर आकर इसको मैं पेज व्यू सोर्स करता हूँ, पेज व्यू सोर्स करता हूँ तो टॉप पे आप जाएं, टॉप पे आप ज़रा देखिएगा, ये जो फाइल आपके पास आ रही है, ये इनके जिसमें कि लिंक की स्टेटमेंट आपने लिखी हुई है, ये अगर बेटा इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन करना चाहूँ, ठीक है, ये ओपन हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर लोड हो रही है यहाँ पे। समटाइम्स जब आप इसको आप करवाएंगे ना बेटा, होस्ट करवाएंगे, तो ये लोड नहीं होगी, यानी कि सर्वर पे आपके पास लोड नहीं होगी। तो आप वन बाय वन यहाँ से जो है ना इनको चेक कर सकते हैं कि जी क्या ये प्रॉपर चीज़ें लोड हो रही हैं। और अगर आप सर्वर पे होस्ट करवा रहे हैं, अगर ये तब भी इस तरह का इशू आए, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे टिल्डा जो है ना बेटा इंक्लूड करवा लें। ठीक है, एक ये बात हो गई, तो हमने वो काम कर लिया है। इसको हम सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम इसको बिल्ड भी एक दफ़ा कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट चेंज हमारे पास आई है वो हम देख लें कि जी क्या चेंज है, और उसको हम यहाँ पर आकर अपने वेब पेज के ऊपर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास वो चीज़ें लोड हो रही हैं। दिस वन जी ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इन चीज़ों को आपने बाकी चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे करनी है। देखिए, लेट से ये टॉप पे स्मार्ट एडमिन वेब ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, मैं अपने लेआउट में आता हूँ। बेसिकली चीज़ें आपकी, ये जो सेंटर वाला चीज़ है ना, ये सेंटर वाला पेज, ये सिर्फ आपके पेज से आ रहा है, बाकी तमाम चीज़ें लेआउट से आ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम लेआउट पे जाकर इन चीज़ों को जो है ना वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये लेआउट है आपका, यहाँ पे हम ढूंढते हैं क्या भला, स्मार्ट एडमिन वेब ऐप। हम कहते हैं जी स्मार्ट एडमिन, ये वेब ऐप ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं जी सी एस फाइव, सॉरी इसे हम कहते हैं सी एस फाइव वेब ऐप। सेव करते हैं, वापस आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास
ये सी एस फाइव वेब ऐप आ गया, ठीक है। आप इसी तरीके से बेटा ये जो मेन्यू बार हैं एप्लीकेशन इंटेल, ये ढूंढना है आपने कहाँ पर, यहाँ पर इस कोड में आपने ढूंढना है जी एप्लीकेशन इंटेल, ठीक है। ये बेसिकली ये आपके सारा मेन्यूज हैं, ये सारे मेन्यूज हैं आपके। तो आपने ये लिस्ट आइटम, ये लिस्ट सॉरी 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 ये दिस वन, आप ज़रा देखें एप्लीकेशन इंटेल लिखा हुआ कहाँ है, एप्लीकेशन इंटेल ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज करना है, बल्कि हमें ये चाहिए भी नहीं, हम ऐसा करते हैं इन तीनों को हम डिलीट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन इंटेल बेसिकली ये यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको इस पूरे को ये थोड़ा सा आपको HTML और Bootstrap का बेटा थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और यहाँ से मैं वन बाय वन आपके सामने डिलीट कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा एप्लीकेशन इंटेल क्या, इसी तरीके से VS CS5 थीम सेटिंग पैकेज इन्फो, ये वन बाय वन मैं इसको इस पूरे को इस ये पूरा है लाई मेरे पास, ये पैकेज इन्फो का पूरा है, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अभी टूल्स एंड कंपोनेंट्स आपके पास आ रहा है, सेव किया वापस आए पेज रिफ्रेश किया, ये टूल्स एंड कंपोनेंट्स टॉप पे आ जाएगा। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, टूल्स एंड कंपोनेंट्स टॉप पे आ गया। इसको हम कहते हैं कि ये टूल्स एंड कंपोनेंट्स नहीं है बल्कि ये हमारा मेन मेन्यू है बेटा, और इसको हम कहते हैं ठीक है। और इसके नीचे UI कंपोनेंट्स यूटिलिटीज, इनको हम चेंज कर लेते हैं। UI कंपोनेंट्स को मैं कहता हूँ कि ये मेरा बेटा जो मेरा होम कंट्रोलर है, और दूसरा क्या है जी यूटिलिटीज मेरे पास, ये यानी कि यूटिलिटीज दिस वन, ये मेरे पास होम कंट्रोलर का आ गया और ये मेरे पास यूटिलिटीज का, ये मेरे पास क्या था एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। ये यहाँ पर ये आ गया, फाइन। इसको मैं करता हूँ सेव, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये नीचे की जो सारी चीज़ें हैं ना ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि यहाँ से ये सारी, ये आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, ये आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमें कैसे इनको एडजस्ट करना है। एक आध दफ़ा शुरू में डेफिनेटली आपसे चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी बेटा। तो ये फर्स्ट टू हम डिलीट नहीं कर रहे क्योंकि वो हमने होम कंट्रोलर उससे लिंक करवाया है, और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो आपके पास आप ज़रा देखिएगा होम कंट्रोलर एम्प्लॉय कंट्रोलर ये दो चीज़ें बन गई हैं आपके पास, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर कोडेक्स लालटेन इनको हम रहने देते हैं क्योंकि ये इन्होंने बनाया है, इन्हीं की इमेज रहने देते हैं, आप कस्टमाइज़ खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब होम कंट्रोलर के अंडर बेटा हम चीज़ें हम अपनी लाते हैं, ठीक है। होम कंट्रोलर के अंडर क्या है ज़रा देखिएगा, होम कंट्रोलर के अंडर जो चीज़ें बेटा आ रही हैं वो कुछ ऐसे हैं, ये है होम कंट्रोलर। तो होम कंट्रोलर के अंडर आपके पास ये होम कंट्रोलर आ रहा है, और इसके अंदर ये अलर्ट्स हम कहते हैं, नहीं अलर्ट्स नहीं है बल्कि यानी कि होम कंट्रोलर में बेसिकली है क्या, होम कंट्रोलर के अंदर देखें तो अंदर सब मेन्यू अलर्ट्स अकॉर्डियंस एट्सेट्रा। हम कहते हैं जी अलर्ट की जगह हम ले आएंगे लेट्स से इंडेक्स पेज, और अकॉर्डिंग की जगह हम ले आएंगे इंडेक्स टू, ठीक है। हमने दो इंडेक्स पेज बनाए हुए थे, ये बाकी की नीचे की एल आईज में से की लिस्ट लगी हुई है जो कि बूटस्ट्रैप 4 या HTML की होती है, इस सारे को हम बेटा डिलीट कर देंगे, ठीक है। इस सारे को क्योंकि हमें चाहिए नहीं, वन बाय वन अगर चाहिए भी होगी तो हम इसको हम जो है ना दोबारा से भी इसको बिल्ड कर सकते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। These ones. मेरे साथ हैं यहाँ तक? Yes sir, sir. अच्छा देखिएगा कि आपके पास ये होम कंट्रोलर में इंडेक्स और इंडेक्स टू जो हमने खुद लिखा है वो आ गया। इसी तरीके से एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर भी हम करते हैं बेटा, एम्प्लॉय कंट्रोलर में यानी कि जो उसका हमारे पास लिंक है वो ये वाला लिंक है एम्प्लॉय कंट्रोलर का, ठीक है। ये एम्प्लॉय कंट्रोलर का
इसमें हमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए जी क्रिएट एम्प्लॉय, इसमें हमें चाहिए लेट से, हमें इसमें क्रिएट एम्प्लॉय चाहिए था, इसके अंदर हमें चाहिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लेट्स से हमें ये दो ही चाहिए। तो ये बाकी जो है ना बेटा, इसमें से बाकी जो हैं इसमें से हम डिलीट कर देते हैं। एक मिनट आप होल्ड, आप लोग वेट कीजिएगा। बेटा आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, अच्छा जी बेटे, अब ये इनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, तो इन बाकियों को इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पे डिलीट कर लें, और आपके पास जो देखिएगा आउटपुट बनेगी वो समथिंग लाइक दिस बनेगी। ठीक है, ये आपके पास एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसके अंदर ये क्रिएट एम्प्लॉय, और ये आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है। अब हमें चाहिए ये कि जब हम इंडेक्स पे क्लिक करें तो इंडेक्स का पेज हमारे पास ओपन हो जाए। ठीक है, अब आप देखिएगा ये कैसे करेंगे। हम यहाँ पे चाह रहे हैं जी कि जब आप इंडेक्स पे क्लिक करें, सॉरी सॉरी जी, तो देखिएगा इंडेक्स पे क्लिक करने के लिए हमें चाहिए ये कि हम होम स्लैश इंडेक्स पेज पे चले जाएं। ये बेसिकली सिंटैक्स है कि होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड। ठीक हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और टेडली का साइन जरूरत नहीं है सर नहीं यहाँ बेटा, पे? बेटा नहीं, इसमें नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, ये आपके पास इंडेक्स 2 है, और ये आपके पास एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर ये बेटा आपके पास एम्प्लॉय कंट्रोलर का क्रिएट है बेटा, और सर यहाँ पे हम स्मॉल में क्यों लिख रहे हैं सर? बेटे कैपिटल में लिख लें, कोई इशू नहीं, कैपिटल में लिख लें। और ये आपके पास लास्ट जो है ये बेसिकली एम्प्लॉय कंट्रोलर का इंडेक्स है, ऐसे ही था ना। सर ऊपर क्रिएट एम्प्लॉय है सर, सिर्फ क्रिएट नहीं है सर। अच्छा जी, थैंक यू, दोनों चलेंगे इसमें, स्मॉल कैपिटल दोनों चलेंगे। ठीक है, इसमें इशू नहीं आएगा, आई थिंक सो। और एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है सर? अच्छा नहीं बेटा, एक्सटेंशन डालने की जरूरत नहीं है, शायद एक फॉरवर्ड स्लैश मिसिंग होगी, नहीं वो भी ठीक है, देखिएगा। ठीक हो गया जी, एम्प्लॉय कंट्रोलर का क्रिएट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कंट्रोलर का लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है बेटा, यस सर।
तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नीचे वाली चीजें आप खुद डिलीट कीजिएगा, चीजें बाकी जो नेम्स वगैरह बाकी जो सेट करने हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप बड़े आराम से इंशाल्लाह खुद कर सकते हैं। तो बेटा ये सर चीजें सबसे थी, बड़ी चीजें लग रही हैं सर, खत्म क्या कह रहे हैं, करने में सर दिल नहीं कर रहा सर, खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, क्या अच्छी कह कर रहे रही हैं हैं? सर। अच्छा गुड जी, ठीक हो गया। तो नहीं इंशाल्लाह बेटा सेटिंग अभी का ऑप्शन है सर, ये सेटिंग वाला, ये सर मैंने क्लिक किया तो ये वर्क नहीं कर रहा, एक्सपैंड नहीं सेटिंग हो रहा से, सेटिंग से मुराद कहाँ पे है बेटा? सर। ये नेव बार में सर पहली ऑप्शन जो है से सर्च एनीथिंग के आगे सर राइट साइड पे पहले, ये यस सर। अच्छा, इसकी रीज़न है ना बेटा, इसकी रीज़न ये है कि हम काफ़ी सारा कोड हमने हटा दिया है अभी, इस कारण से ओके सब सर, काफ़ी सारा कोड हमने हटा दिया है, तो बाकी वर्क वो कर रहे हैं सर। बाकी वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, इसका कोड बेसिकली हमने, अगर आप गौर करें तो लेआउट में से काफ़ी सारी चीज़ें ने निकाल दी थी, तो हम देख सकते हैं कि दोबारा से हम देख लें कि कौन सी चीज़ें सेटिंग से रिलेटेड है तो उसको ना हटाएं तो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने, ये ओके इमेज अपनी मर्ज़ी से ला सकते हैं। अभी ये नाम जो यूज़र लॉग इन हुआ है उसको वो दिखाते हैं एटसेट्रा, बेटा ये ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आपके पास एक काम ये है कि ये पेज टाइप, ये जो पेज आप ओपन कर रहे हैं ना, लेट्स से आप इंडेक्स 2 ओपन कर रहे हैं, तो पैनल टाइटल के ऊपर ना आपने ये इंडेक्स 2 लिखवाना है, ठीक है। एम्प्लॉय का अगर आप क्रिएट एम्प्लॉय ओपन कर रहे हैं तो पैनल टाइटल पे आपने क्रिएट एम्प्लॉय लिखवाना है। एम्प्लॉय कंट्रोलर में अगर आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिखवाना है, खुद लिखवाना है, ठीक है। कर लेंगे ये चीज़ आप सर, सर व्यू टाइटल सर, जी, व्यू पेज बैक टाइप, टाइटल, व्यू बैक्स, व्यू बैक से जी। हाँ अभी आपने व्यू ढूंढना है कि बैक यहाँ पे टाइटल, क्या आएगा, ठीक है, आपने खुद देखना है, ठीक ओके है सर बेटा, व्यू बैक से हो जाएगा सर, कर लेंगे बेटे। इंशाल्लाह कोशिश चलें बेटे, करेंगे। यहाँ पे हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, और इनशाला अगर इवनिंग में तो इसको मैनेज कर सके तो कर लेंगे, वरना फिर कमिंग डेज के अंदर आपने जो है ना मुझे टाइम देना है बेटे। सीआर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीक में सैटरडे संडे, अगर जो कमिंग है किसी की लास्ट वीक है हमारा ये वाला, सैटरडे संडे को अगर सेशन आप मुझे दे दें और वीक में एक और सेशन दे दें, ताकि चीज़ें हमारे पास कुछ करने वाली हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी हम उनको टच कर लें, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से टाइम देते हैं। सर हमारा दूसरा बड़ा बड़ा दिल है पढ़ने का सर, काफ़ी चीज़ें इसमें जितने सीखेंगे उतना कम है सर, जी ठीक है, तो आप लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर वो सारे टीचर्स जो हैं सर वो आखिरी दिनों में सर 3 मंथ्स आप तो सर पढ़ाते रहे हैं सर, उन्होंने पढ़ाया नहीं है सर उस कोई वास्ते, बात ना नहीं, छोड़ें प्रीवियस छोड़ें, इस चीज़ सिलेबस को नहीं है आप सर। देख लें, इसको जिस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हैं बेटा। सीआर के साथ कोऑर्डिनेट करके मुझे बता दीजिएगा, आज इवनिंग का सेशन सर आज कोशिश शाम करने को की सर, करें सर बेटे। मैं कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज इवनिंग में, और इवनिंग में अगर किया भी ना तो आफ्टर मगरिब करेंगे, ठीक है, कोई इसमें कोई इशू तो नहीं है? नो सर एक प्रॉब्लम सर, क्वेश्चन, नो नो ठीक इशू है, ओके, सर, आफ्टर मगरिब थोड़ा सा कर लेंगे, और अगर वीक डेज में कोई एक दिन आप मुझे दे दें और एक वीकेंड पे दे दें आप। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये हम एडमिन डैशबोर्ड है तो सर ये सिर्फ एडमिन को ही विजिबल होगा, तो सर इसके हम यूजर इंटरफेस अलग से डेवलप करेंगे। बेटे ये देखिएगा, यहाँ पे आप एडमिन के पेज शो करवा दें, यहाँ पर आप यूजर के पेज शो करवा दें, ये अब आपकी मर्जी है बेटा। ये देखिएगा आपका जो मेन मेन्यू है ना, ये जो आपका मेन मेन्यू है, ये आप एडमिन की बेस पे आप उसको एडमिन का मेन्यू शो करवा दें तो एडमिन के पेजेस पे वो जा सकेगा, यूजर के पेज पे सिर्फ यूजर का मेन्यू शो करवा दें वो यूजर के पेजेस पे जा सकेगा, ठीक है। जी सर, यहाँ पे इस तरीके से बेटा इसको हम करेंगे, ओके सर, चलें बेटा। आपको ये जो लेक्चर्स है ना, मैं आपको ये यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके अल्लाह सर, हाफिज़। लास्ट अल्लाह हाफिज़ सर।